चंडीगढ़ में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने की। बैठक में विभाग की सभी जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने जानकारी दी, बताया कि बैठक में जन कल्याण के 1200 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दी है। पूरा रिव्यू किया और उसमें 1200 करोड़ के जन संवाद के तहत मांगों का हमने स्वीकृति प्रदान की। इसी प्रकार से हमने 3.51 लाख जो मनरेगा के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों दिहाड़ी के, जैसे हम कहते हैं, तो लगभग 3.5 लाख लोगों को हमने शोधन काम ने रोजगार दिया है। 2100 हमने जिस प्रकार से हमारे जो तालाब हैं, अमृत सरोवर का सुधारीकरण का हमने निर्माण कार्य पूरा किया है, तो अभी हमारे एससी साहब ने हमने टारगेट किया कि हम 2200 का टारगेट हम और आगे लेंगे। इस दौरान मंत्री ने कई और भी बड़े ऐलान किए, सुनिए जरा। हमने विशेष तौर से ध्यान दिया कि हम ग्रामीणाचल में जो सफाई है उसके लिए अलग अलग हम ग्रामीणाचल में हम सफाई का विशेष ध्यान देंगे, और हमने 250 से ज़्यादा ग्रामीणाचल में जिमों का हम बहुत जल्दी उद्घाटन करने जा रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जो मनरेगा है उसके 374 रुपये पर डे पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और हमने तय किया कि जिन ग्रामीणाचल में 1000 से ज़्यादा जनसंख्या है फिरनी, हम उसको पक्का करेंगे, हम उस पर स्ट्रीट लाइट लगाने का हम काम करेंगे, और 1000 गांव से ज़्यादा हमने तय किया जो हमारी महिलाएं हैं हम उनके लिए मनोरंजन केंद्र स्थापित करेंगे, जैसे गांव की महिला आपस में बैठ सकें, कीर्तन कर सकें, मनोरंजन कर सकें, आपस में एक दूसरे का आपस में बातचीत कर सकें। हमारा धान खरीद को लेकर लगाए गए आरोपों पर मंत्री ने क्या कहा, वो भी सुनिए। पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा सरकार ऐसी सरकार है जो 24 फसलों का MSP खरीद कर रही है। पंजाब से हम ज़्यादा 3 गुना परचेज अब से पहले हो चुकी है, और पंजाब से 3 गुना ज़्यादा हम लिफ्टिंग कर चुके हैं। आज पंजाब के किसान धरने पर बैठे हैं, हरियाणा के प्रदेश में समूथली हमारी पैडी की परचेज हो रही है। मैं उनसे बदला लेने की बात वो कर, बिल्कुल निराधार उनके बयान है, मैं उनको कंडम करता हूँ। कमान संभालते ही प्रदेश सरकार के सभी मंत्री बैठकें कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।